अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 25 से लेकर 27 तक करते हैं। तर्जमा, बस क्या हाल होगा जब हम इन्हें इस दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं और हर शख्स को अपना अपना किया पूरा पूरा दिया जाएगा और उन पर जुल्म ना किया जाएगा। आप कह दीजिए, ए अल्लाह, ए तमाम जहान के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे, जिसे चाहे सल्तनत छीन ले और तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में सब बलाइयाँ हैं, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में ले जाता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है। तू ही है कि जिसे चाहता है बेशुमार रोजी देता है। सदकल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, In each case, find the equation of line that exists y intercept and the slope. तो आपके पास equation of line होती है जब आपके पास y intercept यानी कि c दिया हो और साथ slope भी दी हो। Equation of line, तो वो आपके पास आ जाएगा y is equal to mx plus c। ये आपके पास इसकी main equation है। बस हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन में, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, एम की जगह आपके पास आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा x प्लस सी, सी भी आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन का आंसर है। बस सिंपल हमने वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करना है। पार्ट नंबर बी बिल्कुल इसी तरह बुक के साथ मैच करेंगे तो ये सिंपल यूँ हो जाएगा 2x, ये प्लस वाई इधर आके माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। पार्ट नंबर बी, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये आपके पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वैल्यूज पुट कर दें वाई, एम आपके पास आ जाएगा 8x प्लस सी, सी आपके पास आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 8x, ये प्लस वाई इधर आके माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। सी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, इक्वेशन ऑफ लाइन, अब ये आपके पास आ जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वैल्यूज़ को पुट कर दें अपनी इक्वेशंस में तो वाई आ जाएगा, एम की जगह आपके पास आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस सी यानी कि माइनस 4। इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2y उधर जाके माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कुदरत का कानून, जिसके पास जो कुछ होता है वो वही कुछ बांटता है। खुश मिजाज इंसान खुशियाँ बांटता है, गमजदा इंसान गम बांटता है, आलिम इलम बांटता है, दीनदार इंसान दीन बांटता है, खौफजदा इंसान खौफ बांटता है। इसलिए खुद में मुस्बत एहसास पैदा करें, अच्छी चीज़ें सीखें, मसरूफ़ रहें और खुश रहें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।